हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मधुरिता और आज मैं ये रिवेला के कुछ टिंटेड सनस्क्रीन जो मेरे पास है तो मैं इसको ट्राई करूँगी। एक्चुअली ये सिप्ला का रिवेला सनस्क्रीन है तो मैं तीनों को ट्राई करूँगी। तो ये एक है सनस्क्रीन लोशन और ये एक है मतलब सनस्क्रीन थोड़ा सा बीबी क्रीम जैसा। तो पहला ये जो तो मेरे पास है, यू नो ये दोनों सेम ही है, इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है इनका टिंट। ये है रिवेला टिंट ब्रॉन्ज में, एज यू कैन सी ये है ब्रॉन्ज और ये है रिवेला टिंट लाइट। ओके, तो मैं दोनों का स्वाच करके आपको दिखाती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी इन दोनों के इन्ग्रीडियंट्स ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों ही SPF 50 PA++++ है जो कि बहुत ही अच्छा है UVA+UVB प्रोटेक्शन देने के लिए। और ये दोनों ही सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है, तो मैं मतलब ये दोनों सनस्क्रीन बिल्कुल ही सेम है। इनका इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप चेक करेंगे, मैंने चेक किया, ऑलमोस्ट सेम है। बस जो ये ब्रॉन्ज वाला सनस्क्रीन है इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा ऊपर है इंग्रेडिएंट लिस्ट में, यानी कि ये इसमें ज़्यादा आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है और इसमें कम। तो मैं आप लोगों को स्वाच दिखाती हूँ, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ और फ्रंट कैमरे से भी दिखाती हूँ। तो मैं हाथ के इस सरफेस पे ये करूँगी तो आप इसका टिंट देख सकते हैं। कैमरा में जैसा शो कर रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है। ये जो है ना, मतलब इसका जो टिंट है वो थोड़ा सा पिंकिश है इसका टिंट, और ये मेरे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाता है। तो फिर ये एक बिल्कुल ही सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है, मतलब कि अगर आपको ऐसे बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, बिल्कुल वैसा ही है इसका टेक्सचर। और साइड बाय साइड अब मैं इसके ब्रॉन्ज को स्वाच करूँगी, अपने हैंड पीस के साइड पे स्वाच करूँगी तो आपको एक लाइक बेटर व्यू मिल जाएगा। ये देखिए, ये है इसका ब्रॉन्ज वाला। तो क्या होता है कि ये मेरे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है और ये मेरे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मिक्स करती हूँ और फिर इसको मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करके फिर मैं बाहर जाती हूँ। तो ये जो सनस्क्रीन है, मतलब ये दोनों, ये रिवेला का जो दो सनस्क्रीन है, जैसे कि मैंने कहा ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ टिंट का डिफरेंस है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, लाइक मीडियम टू डीपर स्किन टोन का ये सूट करेगा। और ये वाला जो सनस्क्रीन है जो मैंने इस साइड पर लगाया है, जो डार्क जो ब्रॉन्ज वाला है, इसका एक येल्लोइश सा अंडरटोन है, बट इसका जो है इसका पिंक टू न्यूट्रल अंडरटोन है, इसका लाइक ज़्यादा सब सारे कूल अंडरटोन का है ये वाला। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें कलर का डिफरेंस है। और इसका जो ये है 60 ग्राम का प्रोडक्ट और यह है फोर्टी ग्राम्स का प्रोडक्ट। और जो 60 ग्राम्स वाला है उसका प्राइस है 970 रुपीज़, बट आई थिंक अमेजोन से आपको, मतलब जो बड़ा वाला है अमेजोन से आपको बहुत ही लाइक 850 में आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट चलता रहता है। मैं लिंक डाल दूँगी कॉमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। और ये जो दोनों सनस्क्रीन है ना, ये बिल्कुल ही वाटर रेजिस्टेंट है फॉर, और ये स्किन पे ना मतलब थोड़ा सा हेवी लगता है, मतलब लगता है कि आपने कुछ लगा है। और क्योंकि ये टिंटेड सनस्क्रीन है वो भी सिलिकॉन बेस्ड, तो अगर आपके चेहरे पे थोड़े मोड़े ब्लैक स्पॉट्स है या ब्लेमिशेस है, ये उसको मतलब कवर कर देता है। और हाँ, ये थोड़ा सा स्किन पे हेवी लगता है और थोड़ा सा ये थोड़ा सा हल्का सा ये ऑयली फिनिश देता है, बट ये सनस्क्रीन बिल्कुल ही वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है। अगर ये आपके चेहरे पे अच्छे से बैठ जाए तो फिर आपको एक मैसेलर वाटर का यूज़ करना पड़ेगा इसको चेहरे से हटाने के लिए। आई थिंक सिर्फ फेस वॉश काफ़ी नहीं होगा क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट एज वेल एज स्वेट रेजिस्टेंट है। अब इस सनस्क्रीन को मैं, ये सब सनस्क्रीन को मैं देना चाहूँगी 5 में 3.5 1.5, इसलिए कट किए हैं क्योंकि थोड़ा सा हैवी फील होता है और मतलब थोड़ा सा ऑयली भी लगता है स्किन पे, बट और इसमें मतलब ओ, और मैंने बोला ही नहीं कि इसमें कौन से फिल्टर से इसमें है। ये दोनों ही मतलब हाइब्रिड हाइब्रिड सनस्क्रीन है क्योंकि इनमें फिजिकल फिल्टर्स में से टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और केमिकल फिल्टर्स में से इनमें ऑक्सीबेंजोइन वगैरह सब प्रेजेंट है। अब इसको ट्राई करते हैं, जो है रिवेला का सनस्क्रीन बॉडी लोशन। ये है SPF 50, लेकिन इसमें 3 प्लसेस है और इन दोनों सनस्क्रीन में 4 प्लसेस थे। तो मैं यहाँ पे मतलब स्वाच करती हूँ। यह सनस्क्रीन जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही लोशनी सा, लाइट वेट सा टेक्सचर है जो कि बहुत
अच्छे से स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता होगा, लेकिन ये सनस्क्रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मैं इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ तो ये एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑयली सा फिनिश देता है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली सा फिनिश देता है, मतलब जो कि एकदम ही ड्यू ही नहीं, मतलब स्किन, और पता नहीं इसको लगाने के साथ स्किन थोड़ा सा डल भी लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली फिनिश देता है। और इसका टिंट भी ना बहुत ही ज़्यादा कूल टोन सा है। आपको फिर से स्वाच लेकर दिखाती हूँ कि इसका टिंट जो है, मतलब शायद कैमरे में समझ में ना हो लेकिन इसका टिंट जो है बहुत ही ज़्यादा कूल टोन है। और ये सनस्क्रीन मुझको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, प्लस ऊपर से इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रेगनेंस है। अगर आपको चलता है फ्रेगनेंस तो आपके लिए ठीक है, लेकिन मुझको हाई फ्रेगनेंस प्रोडक्ट्स उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, स्पेशली मेरे फेस पे, तो मैं इसको फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर आपके चेहरे पे थोड़े मोड़े फेशियल हेयर है ना, तो ये वहाँ से भी पील होता है, तो इसलिए मैं सनस्क्रीन को 1.5 देना चाहूँगी 5 में से। मैं ऑलवेज ये सनस्क्रीन के ऊपर ये और भी दो जो है रेवेला का जो सनस्क्रीन, ऑलवेज इसको प्रेफर करूँगी। और एक बार बैक कैमरा में मैं आपको सारे सनस्क्रीन के एकदम साइड बाई साइड स्वाचेस दे दूँगी ताकि आपको हेल्प मिले। रिवेला लाइट सनस्क्रीन, एज यू कैन सी द कलर इज़ रियली लाइट एंड इट इज़ अ पिंकिश इन कलर। देन देयर ब्रॉन्ज वर्शन, आई एम स्वाचिंग इट हियर सो यू कैन गेट अ साइड बाई साइड कंपेरिजन। एज यू कैन सी दिस विल सूट अ लॉट ऑफ मीडियम टू डार्क स्किन टोन गर्ल्स, एंड एज द नेम सजेस्ट ब्रॉन्ज, इट रियली हैज़ अ वार्म अंडरटोन्स एंड द टेक्स्चर ऑफ बोथ द सनस्क्रीन इज लाइक रियली रियली सेम। एंड देन वी हैव दिस अ लोशन विच आई रियली डोंट लाइक, as I've said earlier in the video, this has a lotiony texture. The color is somewhat between two, but I really don't like it because, you know, as I've said, it's too oily and greasy. So yeah, hope you like this hand swatches.